नागपुरात है तैयार हम या टॅगलाइन खाली भारत जोड़ो मैदानावर काँग्रेसच्या 138व्या वर्धापन दिनाचे आयोजन केल्या गेले होते। सकाळपासूनच काँग्रेस प्रेमीच्या आगमनाला सुरुवात झाली होती। राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सह वरिष्ठ नेते, कार्यकर्ते, काँग्रेसजन लाखोंच्या संख्येने उपस्थित होते। आज काँग्रेसच्या 138व्या स्थापना दिनानिमित्त महाराष्ट्रासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून राष्ट्रीय नेते, कार्यकर्ते, काँग्रेसजन लाखोंच्या संख्येने नागपुरात दाखल झाले होते। वेगवेगळी वेशभूषा, वेगवेगळी बोलीभाषा जणू अनेकता में एकताचा संदेश देत होती। भारत जोड़ो मैदानावरील केलेली जंगी तयारी आणि है तैयार हम लिहिलेली रांगोळी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती। बघूया काँग्रेसबद्दल लोकांनी व्यक्त केलेल्या भावना, काँग्रेसवरील विश्वास आणि प्रेम। हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रमुख नेता यहाँ पर उपस्थित होकर मैं रहने वाला वेलतूर मार्गदर्शन करेंगे। शेख शेरू भाई जी, हाँ, इस कार्यक्रम के वास्ते हम लोग आए हैं। हाँ, हम तैयार है इस गरीब गरीब जनता के लिए। सब दुनिया आई है इस महफिल में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हो रही है और इस कार्यक्रम के लिए जो मांगे है वो पूरी होना चाहिए और कांग्रेस पक्ष मजबूत होना चाहिए और गरीब जो है, लोग गरीब बोलो तो जैसे एससी एसटी ओबीसी, इन आरक्षण जो काटे जा रहा है, लोगों को तकलीफ जा रही है, लोगों का रोजगार टूट गया है, लोगों की समस्या खत्म हो गई है, लोग जीने के लिए मरने के लिए ऐसे तैयार हो रहे हैं और मर रहे हैं, आशा लग रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, लोगों के लिए सुरक्षा नहीं है, आम लोगों के लिए सुरक्षा नहीं है, गुंडा मवाली चल रही है। ये जनता को थोड़ा सा विश्वास देकर हर प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। प्राध्यापक डी के मिश्रा, मराठी में चलेगा? ब्रह्मपुर से आया हूँ जी। अब इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकशाही अब नष्ट हो रहे, वो जो बीजेपी है वो हमारे संविधान अब खत्म करना चाहते हैं। हम सामान्य लोगों के जो पद दलित गरीब गोर गरीब जो है उनकी जो अधिकार है वो छीनना चाहते हैं, इसीलिए हम कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं, राहुल जी को सपोर्ट देने आए हैं। मैं जलगांव से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम संजू बारेला है। हम सबको एक इकट्ठा आने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम भारत जोड़ो के हिसाब से और रैली के हिसाब से हम आए हैं। हमें वो राहुल गांधी जी आ गए तो बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही समस्या सोल्व हो जाएगी। जो कुछ अभी हमारे गीता फोगाट वगैरह उनके साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनको भी वो भी बहुत सा हमें लगता है कि राहुल गांधी होते तो उनको भी ना ही मिलता। मेरा नाम खुमान सिंह ठाकुर है और मैं जिला सिवनी मध्य प्रदेश से यहाँ पे आया हुआ हूँ। हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो है 138वां स्थापना दिवस है और उसके उपलक्ष में हमारे नेता राहुल गांधी जी यहाँ आके उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं और जो भारत न्याय यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है 14 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है, उसके संबंध में उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पे आए हैं, उनके वक्तव्य सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं।